तो चलिए बात करेंगे WBBL का मैच नंबर 12 के बारे में। सुबह का टाइम है, ध्यान रखिएगा, डबल हेडर मैच है और दो में से एक मैच धमाकेदार मैच और तगड़ा मैच होने वाला है, समझ लीजिएगा, हॉवर्ड हुरिकेन्स वर्सेज मेलबोर्न स्टार के बीच। तो कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है, मेलबोर्न स्टार या हॉवर्ड हुरिकेन्स? दोनों टीम अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है, मेलबोर्न स्टार भी अच्छा खासा मैच जीती है, लास्ट मैच स्कोर 172-73 रन स्कोर चेस करके आ रही है। हॉवर्ड हुरिकेन्स की बात करके परफॉर्मेंस अच्छा था, सिडनी थंडर से दो मैच खेली, एक मैच हारी, एक जीती और लास्ट मुकाबला अपना जीत के आ रही है। पॉइंट टेबल थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दोनों टीमें हैं और जो टीम जीतेगी सीधा छलांग लगा के जाएगी दूसरे पोजीशन पे, ब्रिस्बेन हीट को नीचे करेगी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मेलबोर्न स्टार ने एक मैच जीता है लेकिन इनका नेट रन रेट जो कि ब्रिस्बेन हीट से अच्छा है, जीतेगी सीधा सेकेंड पोजिशन पर पहुंच जाएगी। तो चलिए बात करेंगे हॉवर्ड जीतेगी या मेलबोर्न स्टार, क्या होने वाला मैच में, धमाकेदार मैच हो रहे हैं और लास्ट दो मैच जहां पे हुए हैं मेलबोर्न में जंक्शन ओवल में जहां पे मैच हुए हैं वहीं पे मैच खेला जाएगा। तो क्या होगा इस बार पिच, क्या दो मैच हुए, दो मैच चेसिंग करते हुए टीम दिखाई दी, 172-143-144 ऐसे स्कोर, दो स्कोर चेस होते हुए दिखाई दे। तो क्या होगा इस मैच में, चेस होगा, डिफेंड होगा, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बॉलर को सपोर्ट है या बॉलर बैट्समैन को, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हर वीडियो की तरह वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, गारंटेड है इस मैच में कमा के उठोगे। तो जैसा कि बैक टू बैक आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, प्रॉफिटेबल वर्क दे रहा हूँ, वीडियो में ये बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो हर एक वीडियो फॉलो किए होगे, हर एक मैच फॉलो किए होगे वीडियो में, तो मैं गारंटी लेता हूँ किसी मैच में नुकसान नहीं, हर मैच में प्रॉफिट होगा उठोगे। तो बात करेंगे हॉवर्ड हुरिकेन्स वर्सेस सिडनी मेलबोर्न स्टार, दोनों टीम अभी तक एक भी बार कप नहीं जीती है। 3 नवंबर संडे को मैच खेला जाएगा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमिंग ये मैच खेला जाएगा 4:40 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह का टाइमिंग है, डबल हेडर मैच है, डबल हेडर मैच है, ध्यान रखिएगा दो में से एक मैच उड़ने वाला है। जंक्शन ओवल मेलबोर्न दोनों एक ही पिच पे मैच खेला जाएगा, तो दोनों का पिच समझ लीजिएगा कैसा पिच बिहेव करेगा दोनों मैच के लिए। देखो पिच डिफरेंट बनाया जाएगा, दो मैच हो चुके हैं अब ये अलग पिच पे मैच होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, स्टेडियम वही है, पिच चेंज होगा। सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, 9319409522 पर मैच में कमाना चाहते हो, परफेक्ट डेंटी चाहिए, आपको अच्छा वर्क चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, फेको फर्जी से बच कर रहिएगा, हमें कांटेक्ट कीजिएगा, 100% के साथ मैच में काम दिया जा रहा है। हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, मस्ट ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम अगर दिक्कत हो रहा है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन होने पर, तो व्हाट्सएप नंबर तो है ही अवेलेबल, आपको दिख ही रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा क्लीन, आपको वहाँ पे प्रॉफिट करा के दिया जाएगा, जो ज्वाइन जुड़े हैं कमा रहे हैं। अब बात करेंगे सीधे मुद्दे पे आते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, जंक्शन ओवल मेलबोर्न, हालांकि ये डिफेंडिंग रिकॉर्ड बता रहे हैं यहाँ पे डिफेंडिंग मैच होते हैं, अभी देखो करंट कंटिन्यू मैच ही इसी पिच पे होने वाले हैं, तो 43 में से 23 मैच यहाँ पे डिफेंड हुए हैं, बाकी 20 मैच चेस हुए, लास्ट दो मैच भी चेस होके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एवरेज स्कोर यहाँ पे डिफेंड होते हैं, 173 भी यहाँ पे लास्ट मैच चेस होके आ रही है, तो 151 का एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 192 पे पर्थ स्कॉचर ने बनाया 86 पे 10, एडिलेड स्ट्राइकर लोएस्ट स्कोरिंग पिट बिलो 150, 50 से 170 बिलो, 19 मैचों में 170 से 189, 5 मैचों में एवरेज 90, 2 मैचों में। देखो अब यहाँ पे विकेट देखोगे, यहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली थोड़ा पिच सपोर्ट करता है, अगर रिकॉर्ड में देखोगे 24-28 का रेशियो है, 24 पेस और स्पिन यहाँ पे 28, यानी 46% पेस स्पिन ने ज़्यादा विकेट लिया है, लास्ट के 5 मैचों का रिकॉर्ड है, 5 मैच से आपको पता चलता है कैसा विकेट पिच बिहेव कर रहा है। ब्रिस्बेन हिट की बात करेंगे, लास्ट मैच हाईएस्ट चेस करवा के आ रही है, हॉवर्ड ने चेस किया था और इस पिच पे ही मैच हुआ था। दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पे मेलबोर्न स्टार की बात करेंगे, 154 रन लोएस्ट डिफेंड है, ध्यान में रखिएगा इस स्कोर को। देखो अब पिच चेंज हो चुका है, ब्रिस्बेन और हॉवर्ड के दोनों लास्ट मैच जो कि हाईएस्ट चेस हुआ है, थोड़ा आउटफील्ड फास्ट बना दिया गया है, बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाया गया है, चेसिंग वाला पिच बनाया गया है इस सीजन, ध्यान में रखिएगा। पिच ज़्यादा से ज़्यादा भी चेंज होगा तो आपको 155-160 रन आसानी से चेस होते हुए दिखाई दे सकता है, 165+ डिफेंड होते हुए स्कोर दिखाई देंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिच हो रहा है और पिच जैसे जैसे प्रोग्रेस मैच प्रोग्रेस हो रहा है तो यहाँ पे और भी सपाट होते हैं, थोड़ा फ्लैट सरफेस है तो और भी बैटिंग फ्रेंडली होते जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखो बाउंड्री तो ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, 65 मीटर हाईएस्ट इनकी बाउंड्री रहती है, रिसेंट का मैच का स्कोर देख लो, दो इंपॉर्टेंट है, 140 वाला 173 वाला हॉवर्ड वर्ड से ब्रिस्बेन। और देखो हॉवर्ड ये दूसरी मैच इस पिच पे खेलने वाली है, मेलबोर्न स्टार से हॉवर्ड हुरिकेन्स की बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो
लास्ट के दोनों टीम 18 बार भिड़ चुकी है। मेलबोर्न स्टार 6 जीती है, हॉवर्ट हुरिकेन्स 12 जीती है। हॉवर्ट्स का अच्छा रिकॉर्ड है। मैच यहाँ पे मेलबोर्न स्टार वर्सेस हॉवर्ट हुरिकेन्स बीबीएल 2023 में अभी दो खेले गए थे, दोनों हॉवर्ट हुरिकेन्स जीती है। हॉवर्ट हुरिकेन्स की बात करेंगे, बहुत अच्छी टीम दिखाई दे रही है, ऑन पेपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट 5 मैच का भी रिकॉर्ड देखोगे, मेलबोर्न स्टार 1 ही जीती है, हॉवर्ट हुरिकेन्स के भी फेवर में है, 4 जीत के आ रही है, 3 चेस करके 1 डिफेंड करा है। इस वेन्यू पे 2 मैच खेले गए हैं, दोनों मैच हॉवर्ट, पूरे रिकॉर्ड बता रहा है हॉवर्ट हुरिकेन्स हॉट फेवरेट रहने वाली इस मैच में। अब बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में, इस वेन्यू की बात करेंगे। जैसा कि देखो 2 मैच हुए, 136 चेस हुए हैं, 164 डिफेंड हुए, तो वही 160 बिलो चेसेबल स्कोर होगा अभी के सिनेरियो में, जैसा पिच बिहेव कर रहा है जेनसन ओवल। अब रिसेंट फॉर्म स्टार की बात करेंगे, 1 मैच जीती, 1 मैच हारी, लास्ट में जीत के आ रही है सिक्सर के अगेंस्ट, और ऐसा नहीं अच्छा खासा स्कोर बना था। हुरिकेन्स की बात करेंगे, 1 थंडर से, जैसा पहले बताया थंडर से हारी, और लास्ट मैच भी अपना जीत के आ रही है ब्रिस्बेन हिट के, तगड़ी टीम से जीत के आ रही है। अच्छा नहीं, हॉवर्ट हुरिकेन्स अच्छी इस साल की अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है। स्टार की बात करें, एना सदरलैंड स्क्वाड को लीड करेंगे, एलिसा बिलानी स्क्वाड को लीड करेंगे, देखना दीप्ति शर्मा कहीं आ जाए तो खेलेगी टीम में, और दीप्ति शर्मा अगर इंडियन प्लेयर है जैसा कि मालूम होगा आपको। अब प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, इनिस मैक्यून, यस्टिका भाटिया आ गई है टीम में, अच्छा पहला मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, मैग लर्निंग भी अच्छा परफॉर्म किया, एनाबेल सदरलैंड जो कि कैप्टन है, मैरिक नजाना कैप अच्छी प्लेयर है, टेस फ्लिन टॉप और मैकेना किन ग्रैथ, सासा मोलानी, सैफी डे, मोजी गिब्सन जो कि आपको स्टार के तरफ से प्लेइंग 11 खेलते हुए नजर आए। ध्यान में रखिएगा स्टार के थोड़ा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन एक ही परफॉर्म नहीं कर पाए, यातिका भाट का आई है अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके बाद मैग लर्निंग है, एना 4-5 बॉलर 5 बैट्समैन है जिस पर टीम डिपेंड करती है टीम परफॉर्म। हुरिकेन्स की बात करें, लीजा ली पहले दिन ही आई, अच्छा परफॉर्म की, अच्छा डैनी वॉट होज अच्छी बैट्समैन है, निकोला कैली, एलिसा बिलानी कैप्टनशिप आ रही हर मैच में खेल रहे, हीटर ग्राम अच्छी बैट्समैन है ऑलराउंडर है, टायरन भी अच्छी ऑलराउंडर है, और सवीली, और यहाँ पे देख रहे हो कैथरीन ब्रायस, मोली स्टार्नो, लॉर्डन स्मिथ, कैली विल्सन जो कि प्लेयर्स हैं। हुरिकेन्स के देखो बॉलिंग अच्छी है और अच्छी परफॉर्म कर वाली टीम है, हॉट फेवरेट रहने वाली टीम है हॉट हुरिकेन्स। अब डिपेंड करता है स्कोर पे, पूरा डिपेंड करेगा मैच, अगर बिलो 155 रहेगा चेस होने वाला स्कोर रहेगा ध्यान में रखिएगा, या फिर लो ऑट्स टीम लग जाएगी, 170 प्लस डिफेंड होने वाला स्कोर होगा या टीम लो ऑट्स लग जाएगी। अब ड्रीम इलेवन टीम बना रहे हो, इससे पहले सेशन के बारे में थोड़ा जान लो। देखो सेशन थोड़ा बैटिंग पहले पीछे है, यहाँ पे 35 से 42 के बीच में सेशन यस होते हुए दिखाई देगा, मोस्टली आपको 40 के नीचे ही सेफ रहेगा, और 6 ओवर के जो कि पावर प्ले का, और जो कि लंबी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिलो 150 यस जाएगा, बिलो 150 आपको एडवांस में मिले तो यस करके चलिएगा। अब देखो ड्रीम इलेवन टीम बना रहे, लीजा ली को लेना, मैक लेना, डैनी वॉट को लेना, टायरन को लेना, मारिजाना कैप को लेना, सदरलैंड को लेना, ग्राहम को लेना, कैरी को लेना, स्टैंडो को लेना, ग्रैट को लेना और एस डे को लेना। टीम ठीक है, ओवरऑल परफॉर्म करेगी, और ग्राहम हीटर ग्राहम को यहाँ पे कैप्टन बना रहा हूँ, हर मैच में परफॉर्म कर, लास्ट मैच भी अच्छा, ड्रीम इलेवन 100 प्लस के आसपास यहाँ पे दी एट पॉइंट, और वाइस कैप्टन एंड कैरी को ले रहा हूँ यहाँ पे ले लेना। देखो फैंटेसी टीम मैं फ्री देता हूँ, जो ज्वाइन है क्लीन स्वीप कर रहे हैं ज्वाइन कर लेना, फैंटेसी गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो ड्रीम इलेवन में इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लेना, वीडियो चला तो लाइक करो, और भाई मेरे अगर कमाना चाहते हो तो एक ही नाम, अभी WBBL आ रहा है, इंटरनेशनल मैचेज आ रहे हैं, बहुत सारे से मैच आ रहे हो, तो वीडियो भी इस चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे मेजर अपडेट आने वाले हैं मैच से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, और नंबर सेव करके रखो मोबाइल में। ठीक है आप WBBL नहीं करते हो, और सब लीग आने वाले हैं उसमें आप कमाइए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जुड़िए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे फ्री आते रहता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप फिर, और व्हाट्सएप पे हम बेहतर काम चाहिए, मार्केट से बेस्ट काम, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।